झारखंड फसल राहत योजना ऑनलाइन आवेदन फसल राहत योजना पंजीकरण प्रक्रिया। तो झारखंड फसल राहत योजना जो है झारखंड सरकार द्वारा निकाला गया है और इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा 3 बराबर किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपया दिया जाता है किसान लोग को, उसको 3 किस्त में दिया जाता है। और इस योजना का मेन मकसद है किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके, जितने भी वो कमाते हैं, जितने आय कमाते हैं उससे थोड़ा अधिक कमा सके। फसल राहत योजना झारखंड के लाभ तथा विशेषताएं। पहला है झारखंड फसल राहत योजना के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक आपदों से, अगर प्रकृति से अगर कोई भी नुकसान होता है किसान को तो सरकार उसकी भरपाई करेगी, सहायता करेगी। दूसरा है इस योजना के अंतर्गत नुकसान की राशि पंजीकृत किसानों को बीमा कंपनी द्वारा प्रदान किया जाएगा। तो जिस भी किसान का नुकसान होता है प्रकृति से तो उसको बीमा कंपनी के द्वारा प्रदान किया जाएगा पैसा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तीसरा है झारखंड फसल राहत योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसानों को प्रीमियम की राशि का भुगतान करना होगा, तो पंजीकृत किसान जो है वो प्रीमियम भुगतान देना होगा उनको। चौथा है इस योजना को दिसंबर के अंत तक आरंभ कर दिया जाएगा। झारखंड फसल राहत योजना के महत्वपूर्ण दस्तावेज। किसान झारखंड का स्थायी निवासी अनिवार्य है, झारखंड का निवासी होना चाहिए। वह सभी किसान इस योजना के पात्र होंगे जो पहले से किसी बीमा योजना के लाभ नहीं ले रहे हैं। कोई भी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहा वही किसान इस योजना का लाभ ले सकता है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, किसान का आई कार्ड, बैंक खाता विवरण, निवास प्रमाण पत्र, खेत का खाता नंबर, खसरा नंबर का पेपर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, फ़ोन नंबर और आय प्रमाण पत्र। सबसे पहले तो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना होगा, jrfry.jharkhand.gov.in। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपका ऐसा होम पेज खुल जाएगा। होम पेज खुलने के बाद आपको यहाँ ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है किसान पंजीकरण करें, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज जो खुलेगा इसमें आपका झारखंड राज्य फसल राहत योजना पंजीकरण खुल जाएगा। तो यहाँ बताया गया है कि जिस में भी ये रेड रंग का स्टार है उसको भरना अनिवार्य है, उसको कंपलसरी भरना ही है, छोड़ना नहीं है। तो आपका आधार कार्ड में जिस भी प्रकार से नाम है जो भी है उसको यहाँ भर देना है, जो आधार कार्ड में लिखा हुआ है वैसे ही भरना है। उसके बाद आपको यहाँ आधार कार्ड का नंबर भरना है, अपना मोबाइल नंबर दे देना है। यहाँ पे कैप्चा कोड पूछा गया तो ये 4+22 लिखा हुआ है, इसको जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए और ये घोषणा पे यहाँ पे टिक करके आप नीचे सबमिट कर दीजिए। नीचे सबमिट करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज जो खुलेगा इसमें आपको यहाँ पे मेल फीमेल यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए लिंक, यहाँ पे श्रेणी सेलेक्ट कर लीजिए OBC ST SC या जनरल, डेट ऑफ बर्थ यहाँ भर लीजिए और किसान का प्रकार यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, जिला पंचायत, यहाँ पे बैंक का नाम भरना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे बैंक का IFSC कोड भर देना है, आपका गांव कौन सा सेलेक्ट कर लेना है और प्रखंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे खाता नंबर भर दीजिए और यहाँ पासवर्ड यहाँ पे अपना बना लीजिए, फिर पासवर्ड को यहाँ पे पुष्टि कर लेना है, यहाँ पे फिर से पासवर्ड को भरना है। उसके बाद कैप्चा कोड को यहाँ जोड़ के यहाँ पे भर देना है और घोषणा जो यहाँ लिखा हुआ है इस पर आपको टिक करके नीचे रजिस्टर का ऑप्शन दिया होगा उसमें क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज जो खुलेगा इसमें आपका यहाँ डिटेल सारा खुल जाएगा, आपका नाम, पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, सारा कुछ यहाँ खुल जाएगा। और यहाँ दिया हुआ है नेक्स्ट स्टेप क्या है, कृपया आवेदन पूर्ण करने हेतु यूज़र ID एवं पासवर्ड से लॉगिन कर निम्नलिखित प्रस्तुत करें। तो आपको इससे पासवर्ड और लॉगिन करने के लिए निम्नलिखित प्रस्तुत करें, तो आपको लॉगिन करना होगा। उसके बाद नीचे आके आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ लॉगिन विद पासवर्ड यहाँ मांगा है, जिसमें आपको यहाँ मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पासवर्ड भर दीजिए और यहाँ कैप्चा कोड भरने के बाद यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ बताया रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद प्लीज़ अपलोड आधार कार्ड और बैंक पासबुक फाइल, उसके बाद पूछा ऐड लैंड एंड अपलोड लैंड फाइल, उसके बाद ऐड क्रॉप और कंप्लीट एप्लीकेशन, ये 4 प्रोसेस में। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड और बैंक पासबुक, यहाँ आपका फ़ोटो मांगा है बैंक पासबुक और आधार कार्ड का, तो यहाँ आधार कार्ड और बैंक पासबुक फाइल अपलोड जो लिखा हुआ है इस पर जाने के बाद आप यहाँ से फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर भूमि विवरण
एवं फसल जोड़े जो लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज जो खुलेगा महत्वपूर्ण सूचना, यहाँ पे भूमि विवरण जोड़े यहाँ खुली है। यहाँ से अपना जिला, अंचल, हल्का, मौजा सब सेलेक्ट कर लीजिए। प्लॉट नंबर अपना भर दीजिए, खाता नंबर, पेज नंबर, विलियम नंबर, उसके बाद सारा चीज़ भर लेने के बाद आपको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज में बटाईदार फाइल अपलोड मांगा है, तो आपको यहाँ पर देखिए JPG फॉर्मेट में भरना है। तो यहाँ जाने के बाद सहमति पत्र यहाँ पे जाके भर दीजिए, उसके बाद घोषणा प्रमाण पत्र यहाँ जाके भर दीजिए। भरने के बाद यहाँ पे अलग से नोट में बताया भी गया है कि डॉक्यूमेंट शुड बी इन JPG और JPEG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए अपलोड कर रहे तो, और डॉक्यूमेंट का साइज 120 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। अपलोड पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे कृपया जांचें और पुष्टि करें कि उपयोग सभी विवरण सही हैं। अगर आपका सही है सारा कुछ तो आप ओके पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपका कुछ गलती या सुधारना चाहते हैं तो गो बैक पे क्लिक करके आप पीछे जाके सुधार कर सकते हैं, और अगर आपका सही है तो ओके पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। और ओके पे क्लिक करने के बाद आपका सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा।